क्या चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर जो स्टेल्थ वगैरह बताते हैं, अभी पता लग रहा था हमारी हमारे एक ईस्टर्न सेक्टर में एक एक्सरसाइज भी होने जा रही है एयरफोर्स की। उनके वो लोग नजर रखेंगे हमारी एयरफोर्स पे, कितने डरे हुए हैं कि हमारी एयरफोर्स भी एक्सरसाइज करेगी, हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल भी टेस्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं घबराहट नहीं दिख रही चाइना में? चाइना में बिल्कुल घबराहट दिखेगी, क्योंकि चाइना का जो हार्डवेयर है, उनके जो J-20 हैं और जो इस तरीके के एयरक्राफ्ट हैं, उनकी स्टेल्थ बिल्कुल जग जाहिर है। हमारे एयरफोर्स के वाइस चीफ ने शायद साल 2 साल पहले ये कहा था कि जब चाइनीज ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, तो वो जिस समय उड़ान भरते हैं और जब तक लैंड करते हैं, तब तक वो बड़े आसानी से रडार पे पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर बड़े आसानी से नजर रखी जा सकती है। तो कौन सा स्टेल्थ है और क्या है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक प्रोपेगेंडा ही है, और उस प्रोपेगेंडा में वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि भारत के आंख नाक और कान जो है हिमालय के ऊपर लगे हुए हैं, जो उनकी उनको बहुत बारीकी से देखती है। और ये जो जानकारी जो हम हासिल करते हैं, ये पूरी दुनिया में जो हमारे दोस्त हैं उनके पास जाती है, और सबको पता है कि इनका हार्डवेयर, इनका इक्विपमेंट कितना बढ़िया है, कितना कैसा है। आप कवर कितना ही सुंदर बना लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो सामान है, जब तक वो कहे जाने वाले पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरेगा, तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। कवर से कवर कितना ही सुंदर और कितना ही आलीशान क्यों ना हो, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी, और वो दिख जाएगी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स के पास जब वो परवाज भरते हैं, तो हम उनको पकड़ लेते हैं। अब हम परवाजें भरेंगे तो क्या वो पकड़ पाएंगे, क्या नहीं पकड़ पाएंगे, और ये दिलचस्प होगा। और पकड़ भी लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये भी एक पॉइंट है। और हम कब अपनी हरकत को दिखवाना चाहेंगे और कब छुपाना चाहेंगे, ये भी एक अलग मुद्दा है। तो ये सारी चीजें हैं, चाइनीज बिल्कुल डरे हुए हैं। चाइनीज में बहुत बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि चाइनीज जिस तरीके से भारत का बदला हुआ रुख देख रहे हैं, भारत के तेवर देख रहे हैं, वो उनकी समझ से परे है कि ये कैसे हो गया। मैं इस चीज को कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए आपको 2013 का वो वाकया याद दिला दूं, जिसमें जब देपसांग के अंदर चाइनीज फौजें मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर अंदर आ गई थी, या उससे भी ज्यादा, और 30-40 दिन यहाँ पर रहने के बाद में, और फिर वो वापिस चली गई। सलमान खुर्शीद से ये सवाल पूछा गया था, वो विदेश मंत्री थे, कि इस घुसपैठ को आप कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये एक खूबसूरत महिला के गाल पे एक मुहासे की तरह है, ये वक्तन वक्त आ जाता है और अपने आप समय के साथ वो चले जाता है। अब चाइनीज को ये परेशानी है कि ये जो खूबसूरत महिला है और इसका जो गाल है, अब इसके ऊपर मुहासा क्यों नहीं उग पा रहा है। और अगर मुहासा उगने के लिए कोई आता है, या कोई ऐसा सिचुएशन बनती है, तो ये दवाई लगा के उसका उपचार पहले ही कर लेते हैं, उगने नहीं देते हैं। तो ये परेशानी है, और ये परेशानी उनको बहुत सताए जा रही है। मेरे ख्याल से अब चाहे वो कितना ही प्रयास कर लें, जमीनी स्थितियां बदली हो गई हैं, अब शायद उस खूबसूरत महिला के गाल पे मुहासा शायद अब दोबारा ना उगा पाए। जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से चाइना बार बार LAC पे अपनी घुसपैठ की कार्रवाई करता है और जिस तरीके से हर बार उसे भारतीय सेना भगा देती है, चाइना अब सोचने में मजबूर है कि इंडिया में बदला क्या है और भारतीय सेना का रुख इतना अग्रेसिव क्यों है। तो इसका काफ़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन जो है कर्नल दानवीर ने दिया हुआ है कि पहले भारतीय सेना कैसे रिएक्ट करती थी और आज उनका रिएक्शन टाइम और रिस्पॉन्स कैसा है। भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए प्लीज़ कमेंट में जय हिंद लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।